आप एक स्टूडेंट हो और या फिर जॉब होल्डर हो या फिर बिजनेसमैन हो और आपको थकान महसूस होती हो, सोकर उठने पर काफी थकान महसूस होती है और बॉडी पेन्स महसूस होते हो और काफी लेजीनेस फील होते हो, उठना दिल नहीं करता हो, उठता जाते हो और फ्रेश उठना चाहते हो, एकदम ताजा दम होकर उठना चाहते हो, तो आइए आपके साथ मैं एक होम रेमेडी शेयर करता हूँ। बिल्कुल आसान है, चीप एंड बेस्ट है, एकदम सस्ती है, ज्यादा पैसे खर्च करना नहीं पड़ेगा। हाँ, चीजें ओरिजिनल लेनी पड़ेगी, इतना ही है, सिर्फ तीन ही चीजें हैं। तो आइए और रेमेडी को अब मैं शुरू करके बताऊँ। ये लेंगे, देखिए ये दो खजूर है, सिर्फ दो खजूर लेना है, सर आपको दो खजूर लेना है और इसके अंदर से आपको गुठली निकाल लेना है। ये गुठली निकाल चुके हैं और इसको छोटे छोटे टुकड़े पीसेस कर लेंगे। बड़ी है हमारे लिए, खालिस दूध लेना होगा, यानी प्योर बफेलो मिल्क लिए या फिर गाय का दूध लिए, एक गिलास दूध लीजिए और ये पीसेस करे हुए खजूर इसमें ऐड कर दीजिए, इस तरह ऐड कर दीजिए। और हनी कोई भी सुपरमार्केट से ना लें, क्योंकि हर हनी फेक ही आ रहा है, डुप्लीकेट आ रहा है, चाहे वो पतंजलि रहने दो चाहे डाबर हनी रहने दो, हर हनी फेक ही आ रहा है। हनी अपने गांव से ही कहीं से ओरिजिनल निकालवाए, क्योंकि मैं ये हरियाणा से मंगाया था, एकदम ओरिजिनल है। तो एक स्पून यानी एक टी स्पून आपको हनी ऐड करना होगा इसी में, इसी दूध देख सकते हैं, ये एक टी स्पून हनी है, इसी में इस तरह ऐड कर दीजिए। ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कीजिए, काफ़ी अच्छे से मिक्स कीजिए। जब इसका कलर बिल्कुल लाइट येलोइश और पिंक हो जाए तब आपको आराम से आप इसको पी सकते हैं। देखिए ये होम रेमेडी है तीन आइटम्स की। अगर ये पीने से देखिए आपको बॉडी पेन्स नहीं होंगे, आपको लेजीनेस दूर होगी, आपको जॉब की या फिर कॉलेज की स्कूल की थकान है, जो ड्यूटी की थकान है, वो एकदम से दूर हो जाएगी, एकदम फ्रेश रहेंगे। छोटा सा रेमेडी था, जहाँ तक उसे शेयर कीजिए।